इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि अ लिफ्ट इज कमिंग फ्रॉम 8th फ्लोर एंड इज जस्ट अबाउट टू रीच द 4th फ्लोर, टेकिंग ग्राउंड फ्लोर एज द ओरिजिन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन अपवर्ड्स फॉर ऑल क्वांटिटीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो पहले इस सिचुएशन का स्केच बना लेते हैं। लेट दिस इज ग्राउंड, ठीक है, लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही है, दिस इज द लिफ्ट, इट इज कमिंग डाउन, से इट इज एट 8th फ्लोर, दिस इज 8th फ्लोर, और वो कह रहा है दैट इट इज अबाउट टू रीच, इट इज अबाउट टू रीच द 4th फ्लोर, ठीक है, सो इट इज कमिंग डाउन एंड इट इज अबाउट टू रीच 4th फ्लोर, 4th फ्लोर पे पहुंचने वाली है। तो हमें क्या करना है, इसको ओरिजिन मानना है, दिस इज ओरिजिन, और अप डायरेक्शंस को क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, तो नेचुरली डाउन डायरेक्शंस को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन कौन सी सिचुएशन या गिवन सिचुएशन ठीक है, तो यहाँ पे एक्स मतलब पोजिशन की बात कर रहा है, वी वेलोसिटी की बात कर रहा है, और ए एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पोजीशन की बात करते हैं, तो अप क्वांटिटीज सभी पॉजिटिव हैं, अप क्वांटिटीज सभी पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो अभी लिफ्ट इस ओरिजिन से ऊपर है, तो यहाँ से ये तो क्लियर है कि एक्स तो पॉजिटिव होगा, एक्स क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी या ऑप्शन सी, इन दोनों सिचुएशन में एक्स क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है, क्लियर। अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात देखते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ये सिचुएशन नहीं दी है कि इसने 8th फ्लोर से चलना शुरू किया था और 4th फ्लोर पे ये पहुँचेगी लिफ्ट, या ये पीछे से चलती आ रही है, या 4th फ्लोर पे रुक रही है, या ये पीछे से चलती आ रही है और 4th फ्लोर को क्रॉस कर जाएगी। तो ये सिचुएशन भी दी होनी चाहिए थी, क्यों, ये देखिए, मान लीजिए ये पीछे से कहीं से चलती आती, सपोज 10th फ्लोर पे चलती हुई आ रही थी और ये 4th फ्लोर पे पहुंचने वाली है, तो उस सिचुएशन में इसका जो स्पीड टाइम ग्राफ है, इसका जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो कुछ इस तरह का होगा। कोई भी सिचुएशन हो, लिफ्ट का स्पीड टाइम ग्राफ यही होगा, कब, जब लिफ्ट किसी एक टाइम से चलना शुरू होगी, जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आएगी तो डेफिनेटली लिफ्ट रेस्ट पे होगी, फिर वो नीचे आना शुरू करेगी तो उसकी स्पीड जीरो से बढ़ेगी, बट एक इंस्टेंट पे आने के बाद फिर उसकी स्पीड घटना शुरू होगी और अल्टीमेटली जब वो रुकेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, जीरो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एक टाइम तक तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, फिर उसके बाद उसकी स्पीड क्या होगी, घटेगी, क्लियर। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि जो लिफ्ट है, लिफ्ट कहाँ आ रही है, लिफ्ट आ रही है नीचे, इसका मतलब जो लिफ्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो नीचे है। डायरेक्शन ऑफ मोशन को कौन बताता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है वो डाउनवर्ड है, वेलोसिटी डाउनवर्ड का मतलब जो वेलोसिटी है वो क्या है, नेगेटिव, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने क्या लिया, नेगेटिव। अब बात रह गई एक्सेलरेशन की, ठीक, तो पोजीशन पॉजिटिव है ये पता चल गई, पोजीशन पॉजिटिव है ये पता चल गई, अब वेलोसिटी नेगेटिव इसमें भी दी हुई है, वेलोसिटी नेगेटिव इसमें भी दी हुई है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे ये क्लियर नहीं है, तो अगर हम इसके ऊपर ध्यान दें तो इसके लिए हमें ये बात पता है कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के साइन सेम है, या तो वेलोसिटी इस तरह से दी हो और एक्सेलरेशन, मतलब अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दोनों के साइन सेम है तो इट इज स्पीडिंग अप, तो लिफ्ट की स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर इनके साइन अपोजिट हो जाएं, इनके साइन क्या हो जाएं, अपोजिट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के जो साइन है अगर वो अपोजिट हैं तो इसका मतलब इट इज स्पीडिंग डाउन, इट इज स्पीडिंग डाउन। तो यहां पे अगर ये माने, इसने लिखा है दैट इट इज अबाउट टू रीच 4th फ्लोर, इट इज अबाउट टू रीच 4th फ्लोर, तो मतलब क्या है कि लिफ्ट पीछे से चलती आ रही है, ठीक है, और 4th फ्लोर पे पहुंचने वाली है, तो रुकने की बात नहीं है, रुकने को ये नीचे मान रहा है, ठीक है। तो अगर हम ये बात मान के चलें तो उस बेसिस पे हम कहेंगे कि हमारी ऑप्शन बी करेक्ट है, पोजीशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का साइन सेम है, इसका मतलब क्या है,
लिफ्ट स्पीड अप होती आ रही है, यहां से लेके यहां तक लिफ्ट की स्पीड बढ़ती रहेगी, ये देखिए ये स्पीड बढ़ती रहेगी। और अगर इसे यहां रुकना है तो इसके बाद स्पीड घटना शुरू होगी, इसके बाद एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन अप हो जाएगी और वेलोसिटी की डायरेक्शन तो नीचे रहेगी रहेगी। यहां से लेके यहां तक एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन भी नीचे है और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी नीचे है, तो 8 से लेके 4th फ्लोर तक तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो स्पीड अप करेगी। उसके बाद फिर स्पीड कम होना शुरू होगी, तो एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो इस क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है, बट सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन के अंदर वो दे रहा है कि ऑप्शन ए करेक्ट है, तो ये तो बिल्कुल ही गड़बड़ है जब ये खुद कह रहा है कि अप डायरेक्शन को ठीक है पॉजिटिव लेना है, तो एक्स नेगेटिव कैसे हो सकता है, तो ए ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकती, ठीक है, बी और सी ऑप्शन होगी या डी होगी, ठीक है। तो आप यहां पे देखिए, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में कहा है कि हमें ए की ऑप्शन करेक्ट करनी है क्योंकि MCQ 1 सेक्शन है, उस बेसिस पे अगर हम देखें तो एक्स पॉजिटिव के लिए वी ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो, तो ए की ऑप्शन बनती है। अदरवाइज अगर हम अपोजिट साइन की बात करें तो उसके लिए ऑप्शन सी और डी भी करेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो अब वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, पर क्योंकि हमें ए की ऑप्शन टिक करनी है सो देन इट इज ऑप्शन बी।